आइए आज 2014 का सेट नंबर 7, इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 12th में है। सेट नंबर 7, बचपन एक ऐसी अवस्था है। तो आप लोग जो करके लाए हो ट्रांसलेशन मिला लो, नहीं तो लिख लो। बचपन एक ऐसी अवस्था है, द चाइल्डहुड इज ए स्टेज, स्टेट होगा, स्टेट माने अवस्था होता है, STATE। द चाइल्डहुड इज ए स्टेट, STATE, स्टेट माने अवस्था। जैसे आप पढ़े ना, हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति या अवस्था राजा के समान है, क्लियर, STATE रहेगा, स्टेट। जब जिम्मेदारियां कम होती है, when responsibilities, जिम्मेदारियां का अंग्रेजी लिखो, RESPONSIBILITIES, 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 when responsibilities are less, उसके बाद जो है, जब जीवन में चीज़ें नित, हाँ तो काम आप भी कर देना, जब जीवन में चीज़ें नित नए रूप में सामने आती हैं, क्लियर, when, ठीक है, things, पहले चीज़ें लिख लो, when things, जब चीज़ें, ठीक है, appear in a new way, नित नए रूप में सामने आना, मतलब अपीयर मतलब वो सामने आती हैं, दिखाई पड़ती हैं, इन ए न्यू वे, WAY, न्यू वे। अब यहाँ नित के लिए भी लिख लो, कॉन्टिन्यूसली या कॉन्स्टेंटली, नित मतलब लगातार, ठीक ना, अपीयर इन ए न्यू वे, कॉन्टिन्यूसली कर दो या कॉन्स्टेंटली कर दो, क्लियर। उसके बाद जीवन में कहेंगे जी, इन लाइफ, और जब किसी को वर्षा या बर्फ में खेलने जैसे साधारण कामों में आनंद मिलता है, देखो, एंड वेन और जब, क्लियर, हाँ, किसी को वर्षा या बर्फ में खेलने जैसे साधारण कामों में आनंद मिलता है, हाँ, वेन समवन, किसी को, समवन, हाँ, गेट्स प्लीजर, हाँ, लिख लो, कॉमन डीड्स, लाइक, जैसे कहें, देख लो, लाइक, हाँ, रेनिंग कर दो या रेन भी कर सकते हो, क्लियर, आर प्लेइंग इन स्नो, प्लेइंग इन स्नो, बस फुल स्टॉप कर दो। लेकिन बच्चा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, बट द चाइल्ड इज नॉट फ्री, स्वतंत्र नहीं होता कहीं, बट द चाइल्ड इज नॉट फ्री टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, टू डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विश, अपनी इच्छा के अनुसार, की अंग्रेजी, अकॉर्डिंग टू हिज विश, WISH, अकॉर्डिंग टू हिज विश, हो गया, और वह अपने को लगातार यही सुनते हुए पाता है, क्लियर, एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ,
एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ, एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ कॉन्स्टेंटली, लगातार कहेंगे कॉन्स्टेंटली लिख दो या कंटिन्यूसली लिख लो, कॉन्स्टेंटली हियरिंग, ठीक हियरिंग ये सुनते पाता हियरिंग। अब इसके बाद डैश करके लिख लो, यह मत करो, इन्वर्टेड कॉमा में है ना तो दैट लगाने की कोई जरूरत नहीं, दैट लगाना चाहो तो लगा दो तब डैश कर दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। हियरिंग हाँ डैश करके लिखो आप, यह मत करो, डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस, यह मत करो, वह कामा करके वह काम मत करो, फिर लिख दो डू नॉट डू दैट वर्क, डू नॉट डू दैट वर्क, ठीक है फुल स्टॉप कर दो। यहाँ डू नॉट डू दिस के बाद भी फुल स्टॉप लगा सकते हो तब डी बड़े से हो जाएगा, नहीं तो कामल भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं। आगे गलती हो जाने पर उसे दंड भी मिलता है, ठीक है तो इसकी अंग्रेजी लिख दो फर्दर ही फाइंड्स पनिशमेंट, फर्दर मतलब आगे, ही फाइंड्स पनिशमेंट फॉर मिस्टेक, फॉर मिस्टेक्स बस, फर्दर माने आगे, ही फाइंड्स पनिशमेंट उसे दंड भी मिलता है, नहीं दंड भी पाता है। फर्दर एफ यू आर टी एस ई आर, ही फाइंड्स पनिशमेंट फॉर मिस्टेक्स, फॉर मिस्टेक्स। देखिए इसके एक तरीके से और भी बता सकते हो, बताने के लिए बता दिए हम, सरल तरीके यही है। फर्दर ही फाइंड पनिशमेंट फॉर मिस्टेक्स मतलब आगे गलती हो जाने पर उसे दंड भी मिलता है, कहने मतलब वह आगे गलती करने पर दंड भी पाता है। एक एक्टिव वॉइस में हो गया, इसको चाहे तो आप पैसिव वॉइस में बना सकते हो। पैसिव वॉइस में कैसे बनाओगे, इसको करना पड़े आगे गलती हो जाने पर, कहने का मतलब ये यदि कोई गलती कर लेता है, इफ ही ठीक है इफ एनी मिस्टेक्स इज डन तो उसे दंड भी मिलता है, मतलब ही इज प्रोवाइडेड विथ पनिशमेंट तो उसे दंड प्रदान किया जाता है। क्लियर, इस तरह से दोनों तरीके से बना सकते हो आप। आगे जब जवान होकर अपनी आजीविका कमाने लगता है, ठीक है तो लिख दो बींग, बींग यंग, पहले जवान होकर के लिख दो बींग यंग, जवान होकर व्हेन कामा करके, व्हेन बींग यंग, व्हेन यंग बाद कामा रहेगा, व्हेन ही हाँ बिगिंस टू अर्न हिज लिविंग, बिगिंस टू अर्न हिज लिविंग, बिगिंस बी ई जी आई एन एस, बिगिंस टू अर्न हिज लिविंग, लिविंग उसके बाद कामा लगा दो तब के लिए, वह स्कूल और पिता, टू अर्न हिज लिविंग, टू अर्न हिज लिविंग, तब वह स्कूल और पिता के अनुशासन से मुक्ति पाता है, तब के लिए कामा लगा दो, ठीक है ही फाइंड्स फ्रीडम, वह मुक्ति पाता है मतलब वह स्वतंत्रता पाता है, ही फाइंड्स फ्रीडम, ठीक है मुक्ति पाता है। हाँ उसके बाद लिखो फ्रॉम द डिसप्लिन ऑफ स्कूल एंड फादर, ही फाइंड्स फ्रीडम फ्रॉम द डिसप्लिन, अनुशासन से कहिए डिसप्लिन की स्पेलिंग लिख लो डी आई एस सी आई पी एल आई एन ई, डी आई एस सी आई पी एल आई एन, डिसिप्लिन माने होता है अनुशासन, ठीक है ही फाइंड्स फ्रीडम फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ स्कूल एंड फादर, उसके बाद स्कूल और पिता के मतलब ऑफ स्कूल एंड फादर। उसके बाद आगे बढ़ोगे लेकिन साथ में उसे अपने परिवार सामाजिक एवं व्यावसायिक उत्तरदायित्व को भी स्वीकारना पड़ता है। क्लियर, बट ऑल टुगेदर माने साथ में, साथ ही साथ, ए एल रहेगा टुगेदर जोड़ दो, डबल एल नहीं रहेगा इतना जान लेगा, ऑल टुगेदर माने साथ में या साथ ही साथ, ए एल टी ओ जी ई टी एस ई आर, ए एल टी ओ जी ई टी एस ई आर, ऑल टुगेदर, बट ऑल टुगेदर कामा कर दो, उसे के लिए ही लिख दो, उसे अपने परिवार तो पढ़ता है तो लिख दो ही हैज़ टू, उसे पढ़ता है, ठीक है बट ऑल टुगेदर ए एल रहेगा, ए एल टुगेदर जोड़ दो, ही हैज़ टू, ठीक है He has to accept, स्वीकारना कर रही है, he has to accept, उसे स्वीकारना पड़ता है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब हो गया, क्या स्वीकारना पड़ता है, क्लियर।
हाँ अपने पारिवारिक सामाजिक एवं व्यवसायिक उत्तरदायों को 61 हिज फैमिली, फैमिली माने पारिवारिक हो गया। काम का सोशल लिख दो, सामाजिक सोशल एंड हाँ व्यवसाय कहेंगे लिख दो प्रोफेशनल पी आर ओ एफ ई डबल एस आई ओ एन एल प्रोफेशनल माने व्यवसाय। क्लियर? फिलहाल वोकेशनल भी कह सकते हो, प्रोफेशनल भी कह सकते हो। क्लियर? प्रोफेशन माने व्यवसाय, यहाँ प्रोफेशनल ही बेटर पड़ेगा। क्लियर? पी आर ओ एफ ई डबल एस आई ओ एन एल प्रोफेशनल। रिस्पांसिबिलिटीज, अभी रिस्पांसिबिलिटीज को स्पेलिंग हम सबसे पहले बताए थे ऊपर, तो रिस्पांसिबिलिटीज आर ई एस पी ओ एन आई एस आई बी आई एल आई टी ई एस टी आई ई एस रिस्पांसिबिलिटीज। क्लियर? उसके बाद फुल स्टॉप कर दो, आपका कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में 2015 के अनसाल पेपर के साल पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।